नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से इज अ टेन माइक्रो फेरेट कपैसटर इज फुली चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ फिफ्टी वोल्ट आफ्टर रिमूविंग सोर्स वोल्टेज वोट इट इज़ कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर इन पैरेलल नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैम बिकम्स ट्वेंटी वोल्ट सवाल है द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर इज और चार ऑप्शन दे रखे हैं दस पंद्रह बीस या तीस नाउ सिंपल सवाल है कैपेसिटेंस में हमने ऐसे बहुत सवाल क्लास में प्रैक्टिस किए हुए हैं सो सिनेरियो ये है कि ये आपका एक कैपेसिटर है इसको आपने पहले एक बैटरी से कनेक्ट किया सी कैपेसिटर है सी वन क्या लेते हैं आपने इसको वी वोल्ट पे जब वो कनेक्ट किया तो इसके ऊपर एक क्यू वन चार्ज आ जा जाएगा ठीक है सो और क्यू की वैल्यू होगी यहाँ पे विल भी इक्वल टू सी वन भी उसके बाद आपने इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर के साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है लेट्स कॉल दिस सी टू और ये अपना सी वन है ही और यहाँ पर कनेक्ट करने के बाद ये पहले अनचार्ज कैपेसिटर है एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा ये लेट्स कॉल दिस वी नॉट और ये आपका कॉमन पोटेंशियल वी बाद में आ जाएगा ना इस तरह के सवाल सॉल्व करने में हम ये आ, स्मार्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं कि जो आपका टोटल चार्ज यहाँ पे मान लो प्लस क्यू और माइनस क्यू आया था क्योंकि चार्ज उड़ के इधर से उधर नहीं जा रहा है वही चार्ज आपका आ, इन दो प्लेट्स के बीच में रीडिस्ट्रीब्यूट होएगा तो इसको हम यहाँ पर ये यह कह सकते हैं कि टोटल चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू जो इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यू वन था इस प्लेट पर यहाँ पर वही क्यू वन और क्यू टू में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा विच मीन जो टोटल चार्ज क्यू है उसको हम लिखेंगे सी वन वी डेटा आपने को दे रखा है जानबूझ के डेटा मैं अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ बाद में एक बार वैल्यू में डाल लेंगे विल बी इक्वल टू सी वन वी ये वी नॉट है प्लस सी टू वी ना अब इस फॉर्मूले में हमें बाकी सारी चीज़ें पता है हमें सी टू की वैल्यू बतानी है ये सी टू जो है ये आपका नॉन है विच एम्प्लायज इसको हम लिख सकते हैं आपका सी टू विल बी इक्वल टू सी वन इसमें आ जाएगा वी नॉट माइनस वी इसको इधर ले आए डिवाइडेड बाय आपका वी Uh, इसमें वैल्यू रख है आपके C2 की वैल्यू आ जाएगी तो C1 जो है वो अपने को दे रखा है टेन माइक्रोफेरेड माइक्रो माइक्रोफेरेड मल्टीप्लाइड बाय V0 नॉट पहले 50 वोल्ट था बाद में 20 वोल्ट है तो ये आपका 50 माइनस बीस डिवाइडेड बाय बाद में आपका ये हो गया 20 सो विच एम्प्लाई जो C2 है आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी ये बचा तीस फिफ्टीन माइक्रोफेरेड ऑलाइट सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर टू फिफ्टीन माइक्रोफेरेट वुड बी द राइट आंसर